सो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात होने वाली पोको X3 प्रो के बारे में गाइस, क्योंकि पोको X3 है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे लोग इस फ़ोन को, जहाँ पे गाइस इसके बाद जो इसका सक्सेसर लॉन्च होने वाला है पोको X3 प्रो, जहाँ पे गाइस इसके बाद जो इसका सक्सेसर लॉन्च होने वाला है 30 मार्च को 2021 इंडिया में, जहाँ पे पोको X3 प्रो लॉन्च होने वाला है। और गाइस इसकी जो लीक्स हैं वो निकल के आ गई, जहाँ पे इस फोन का प्राइस और स्पेसिफिकेशन सारे कुछ लीक्स निकल के आ गए हैं गाइस, जहाँ पे एक्सपेक्टेड इसकी प्राइस वगैरह मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। तो बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले से गाइस, तो यहाँ पे आपको पता है 6.67 इंच की डिस्प्ले, जो पहला जो था डिज़ाइन वो सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है डिज़ाइन और लुक में। बाकी कुछ कुछ जो मेजर चेंजेस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 6.67 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके लिए मतलब अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लीक्स में ऐसा बोला जा रहा है कि एमोलेड होगा, पर बहुत सारे लीक्स में ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं होगा। और वहीं पे गाइस यहाँ पे बात करें, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, 5160 एमएएच की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, 33 वॉट का इन द बॉक्स चार्जर देखने को मिलेगा, 3.5mm जैक देखने को मिलेगा टाइप सी पोर्ट। साथ में अगर बात करें इस फोन के कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जहां पे आपको पंच होल देखने को मिलता है गाइस, मिडिल पंच होल, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वहीं पे गाइस आपके रियर कैमरा की बात करें, तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा गाइस। यहां पे पोको X3 जो था वहां पे 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर था, बट गाइस पोको X3 प्रो में हम लोग को देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जहां पे गाइस आपको 48+8+2+2 का आपको क्वाड सेटअप देखने को मिल जाएगा, और वहीं पे ग्लास बैक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे गाइस जो सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग फीचर होने वाला है इस स्मार्टफोन में, जहां पे इसका प्रोसेसर, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज का प्रोसेसर गाइस, जहां पे आपको इसमें 860 देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मतलब 800 सीरीज का प्रोसेसर। तो गाइस परफॉर्मेंस जो है वो दी बेस्ट हो सकती है यहां पे, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर परफॉर्मेंस ही अच्छा होगा, प्रोसेसर अच्छा होगा गाइस, तो गेमिंग परफॉर्मेंस कैमरा सब कुछ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो 860 की वजह से गाइस ये फोन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और बहुत इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, क्योंकि कम प्राइस में ये आ सकता है। प्राइस की बात करें गाइस, तो यहाँ पे लीक्ड प्राइस जो है 23,000 के अराउंड इसकी स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है। 860 प्रोसेसर गाइस सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग फीचर है इसमें, और इसी वजह से जो ये फोन है वो Realme 8 Pro हो गया, Mi 10 Pro Max हो गया, अपने ही फोन को मतलब ये बीट करने वाला है। वहीं पे जो Motorola का G100 आने वाला है गाइस, जहाँ पे इसमें आपको उस फोन में 870 आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी बजट किंग के नाम से आने वाला है परफॉर्मेंस के नाम पे। और उससे पहले जो इंडिया में ये Motorola का तो पता नहीं गाइस, लेकिन उससे पहले इंडिया में पोको X3 Pro आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस और बहुत एक्साइटिंग है लोगों के लिए, जो 30 तारीख को हम लोग को प्राइस और जो इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा या फिर नहीं होगा। बाकी प्रोसेसर वगैरह तो कंफर्मेशन हो गई है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।